मध्य प्रदेश के सीधी में हुई शर्मनाक घटना की चर्चा पूरे देश में है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सीधी में आदिवासी पर पेशाब करने वाले नेता प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार किया। इस घटना पर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हुई है। ये भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक के एक करीबी द्वारा आदिवासी युवक के साथ की गई अमानवीय व घृणित हरकत बेहद शर्मनाक है। प्रदेश में भाजपा के 18 साल के शासन में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,400 मामले सामने आए हैं। भाजपा राज्य में आदिवासी हितों पर केवल कोरे दावे और कोरी बातें हैं। आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के असल कदम क्यों नहीं उठाती सरकार? आपको बता दें कि राहुल गांधी से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती भी शिवराज सरकार को घेर चुकी हैं। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी दलित युवक पर स्थानीय दबंग नेता द्वारा पेशाब किए जाने की घटना अति शर्मनाक। जिस अमानवीय कृति की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का जागना इनकी संलिप्तता को साबित करता है। ये भी अति दुखद। आपको बता दें, सीधी मामले की शिकायत कांग्रेस मध्य प्रदेश के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति से करेंगे। कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलेगा। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देने की मांग है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब सीधी की घटना को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। आने वाले समय में जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। मकान पर बुलडोजर चल रहा है। भाजपा जनता के बीच में जाने वाली पार्टी है। इस घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।